बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमें पता चला है कि एक्सपो में एग्जीबिशन है एनिमल्स की और बर्ड्स वगैरह की, और एनिमल शो है और इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम बना है एक्सपो सेंटर जाने का, तो वहाँ की हमने तैयारी शुरू कर दी है। बच्चे भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, बस इंतज़ार है कि दादा आ जाएँ, फिर हम सफ़र शुरू करते हैं अपना। दोपहर का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। थोड़ा रास्ता भी हमने तय कर लिया है, और ये इतवार बाज़ार रास्ते में पड़ता है। ये भी अच्छा इतवार बाज़ार होता है, यहाँ पे काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं काफ़ी। तो खैर, एक ये यहाँ पे बर्ड्स मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे, हर तरह के बर्ड्स और मुर्गे वगैरह सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लेकिन रश भी इंतहा का रश है, उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया है, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। जो हजरात परिंदे तोते वगैरह के शौकीन हो वो यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। बल्कि बहुत से लोगों को पता ही होगा इस मार्केट के बारे में, संडे को लगती है ये मार्केट, और यहाँ पे सब लोग अपने अपने परिंदे लेकर हाज़िर होते हैं। यूँ ही बातें करते करते हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सपो सेंटर को, यहाँ पे करीब ही है और यहाँ पे रश भी काफ़ी है। बाइक्स तो फिर भी जा रही हैं आगे, गाड़ी में थोड़ा सा मसला होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है आगे एंट्री की तरफ। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और यहाँ पे एक रास्ता नज़र आ रहा है अंदर जाने का, तो हम यहाँ से अंदर दाखिल हो गए हैं। पब्लिक भी बहुत आई हुई है, बहुत रश हो रहा है यहाँ पर। जल्दी जल्दी वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, कैमरा बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, आप लोगों को भी पूरी दुनिया हिलती हुई लग रही होगी, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, चलना भी ज़रूरी है। अरे ये तो शेर बन गया, क्या करें, मजबूरी है, चलना भी ज़रूरी है। भाई वाह, बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी चलना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो है हॉल जो है अंदर की तरफ जो हॉल है वहाँ पे इन लोगों नहीं, यहाँ बाहर के एरिया में इन लोगों में खाने ये मुनाकिद किया गया कैटल शो। चलते चलते हिलते जुलते हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्टॉल है या कोई कवर्ड एरिया टेंट वगैरह लगा के बनाया हुआ है उन्होंने, और ये जीएफएस बिल्डर्स का है, कुछ इश्तहार वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने, और आगे एक और टेंट लगा हुआ है। असल में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी, उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि क्या कैप्चर किया जा रहा है, बस अंदाजे से कैप्चर कर लिया था मैंने। फैंसी बर्ड्स एंड पेट शो, नाम से तो लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। चलें फिर अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। बहुत ही शदीद किस्म का रश है यहाँ पर, धक्कम फेल शोर शराबा उफ़। सबसे पहले हमने देखा मोर, बहुत ही प्यारे कलरफुल से मोर है यहाँ पर मौजूद, वाइट कलर का भी मोर है और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी भी है, लेकिन असल में जगह नहीं थी तो मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर सकी।
पपीज़ भी हैं यहाँ पर, और लोग उनको गोद में लेके, हाथ में लेके पिक्चर भी बनवा रहे हैं। टर्टल्स भी मौजूद है यहाँ पर, ये तो बाकायदा सर उठाकर भी देख रहे हैं, और वो दूसरे वाले जो हैं वो शेल के अंदर घुसे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने अनकवर्ड रखे हुए हैं टर्टल्स, लोग इसको टच करके देख रहे हैं, शेल को फील कर रहे हैं कि कैसा है। माशाल्लाह से अदीना को बहुत खुशी हो रही है पैरेट को अपने हाथ पे बैठा के, और हादी जो है वो करीब भी नहीं जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अभी अपनी आपी के पास खड़े हो गए। खूबसूरत से बर्ड्स हैं, कलरफुल से, प्यारे प्यारे से, इनकी देख के लग रहा है कि किसी ने पेंसिल से ड्रॉ की भी किया हुआ है, और आइज़ तो इनकी बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ वैरायटी के फैलकन्स रखे हुए हैं, और सबकी जो है वो आइस बंद की हुई हैं, कवर की हुई हैं, और पाँव भी इनके बांधे हुए हैं ताकि ये किसी को देख के परेशान होकर हमला ना कर दें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कि अपने हाथ पे बैठा के, उप्स, ये ना इसने अपने पर खोल लिए हैं, लेकिन खैर। तो वो इन्होंने यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, 300 चार्जेस हैं, अगर आप अपने हाथ पे बैठा के पिक्चर बनवाना है आपको, तो आप चार्जेस पे करके आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग करवा रहे थे, पिक्चर्स बनवा रहे थे। बहुत मुख्तलिफ वैरायटी के बहुत सारे बर्ड्स और पेट हैं यहाँ पे, देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। इन बर्ड्स के चक्कर में हमारा व्लॉग आज का बहुत ही लंबा हो गया है। एक्सपो सेंटर में हमने और क्या क्या देखा, इसकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।